आज हम आए हैं PAU लुधियाना में, जहाँ इंटीरियर एक्सटीरियर एग्जीबिशन बहुत लास्ट स्केल पे ऑर्गेनाइज की गई है और आज इसका लास्ट डे है। तो हम आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये है अकाली दल के एक्स मिनिस्टर मिस्टर शरणजीत सिंह ढिल्लों। चलिए उनसे मिलके कुछ बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। मैं आप खुद ये यूनिवर्सिटी जी एग्जीबिशन लगी हुई है इंटीरियर डेकोरेशन की, इनू देखने वास्ते आया सी। मैं तो बहुत ही वधिया लग्या। इको छत थले तकरीबन एडा वड्डा बाजार, वख वख स्टाल इत्थे लगे हुए ने। जिहड़े भी कोई चंगे मकान बनाने तो बाद कोई भी इंटीरियर डेकोरेशन की कोई चीज़ लैनी चाहुंदा है, नवीं नवीं टेक्नोलॉजी की चीज़ इत्थों मिली है, मैं तो समझदा भी इह जिहे एग्जीबिशन नूं प्रमोट करना चाहीदा। एग्जीबिशन आपको क्या लगता है लुधियाना में रूटीन में लगनी चाहिए, जैसे ये एनुअल एग्जीबिशन है, साल में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है? देखो, साल च दो बार लग जाए तो बड़ा वधिया रिस्पोंस होगा। हूँ भी मैं देखा कि काफ़ी ज़्यादा रश है, लोग अपनी खरीदो वास्ते ऑर्डर देने वास्ते काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आ मैं फर्नीचर भी देखा, बड़ा वधिया फर्नीचर लग्या। यह जी एग्जीबिशन सरकारों का भी उत्साह करना चाहिए। जैसे लुधियाना में आज एक बहुत स्मार्ट सिटी माना जाता है, इसको हर एंगल से इस बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है इस एग्जीबिशन के अलावा और क्या चीज़ ऐसी है जिसकी एग्जीबिशन यहाँ पे लगनी चाहिए जो अभी तक आज तक कभी लगी नहीं? ये एग्जीबिशन तो देखो इंडस्ट्री की भी लगती है, जो इंटीरियर डेकोरेशन की लगी है। यह जी एग्जीबिशन के रिजल्ट बड़े चंगे निकलते हैं, लोगों को रुजगार भी मिलता है, तो लोगों को बिजनेस के उत्ते पैसे लाने के जिस मौके मौके मिलते हैं, तो बिजनेसमैन भी कुछ चार पैसे बचते हैं। ये मंदे का दौर चल रहा है, ये मंदे के दौर के यह जी एग्जीबिशन का रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए हमें। तो यह थे हमारे साथ अकाली दल के एक्स मिनिस्टर मिस्टर शरणजीत सिंह ढिल्लों, जिनको यहाँ एग्जीबिशन में आके उन्होंने अपने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर किए। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।